नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा। कैसे हैं आप सब? तो आपका स्वागत है मेरे चैनल मॉम्स लाइव विद पूजा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की फेमस डिश बेसन की गट्टे करी की रेसिपी। इसे हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल में, जिसे बनाना एकदम आसान है और खाने बहुत ही टेस्टी भी है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। बेसन का गट्टा करी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप बेसन, ये 150 ग्राम के आसपास है। इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर हींग डाल देंगे, थोड़ा सा खड़ा जीरा, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मरीच पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच के आसपास तेल। फिर हम सबको बेसन में ऐसे मिक्स कर लेंगे और ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। सबको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर रोटी की तरह, जैसे हम लोग आटा तैयार करते हैं उसी तरह हम इसका डो तैयार करेंगे। देखिए, एक बार ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें सख्त डो तैयार करना है। देखिए, इतना कड़ा हम आटा तैयार कर लिया है मैंने बेसन का, और इसको हम रेस्ट करने छोड़ देते हैं। फिर चलते हैं पानी को बॉयल करने। पानी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है, इसको हम ढक देंगे ताकि जल्दी से पानी बॉयल हो जाए। फिर चलते हैं हम गट्टे को बना लेते हैं। देखिए, हाथों में ऐसे तेल लगा लें और छोटा सा लोई लेकर इसको हम ऐसे लंबा सा ऐसे शेप देकर ऐसे बेसन का शेप ऐसे बना लेंगे, उसको हम प्लेट में रखते चलेंगे। देखिए, बेसन से मैंने इतना सारे गट्टे बना लिए हैं। अब हम इसको उबलते हुए पानी में डालेंगे। तो चलिए, पानी बॉईल होने लगा है, एक एक करके हम सारे पीस को ऐसे डाल देंगे। ध्यान दें, जब भी पानी बॉईल पूरी तरह से हो जाए तब आप गट्टे को अंदर डालें। देखिए, मैंने सारे गट्टे को पानी में डाल दिया है। अब इसको हम 5 मिनट बॉईल कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे चम्मच से चला दें ताकि ये चिपके नहीं नीचे। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे। जब तक बेसन पक रहा था तब हम मसालों का पेस्ट बना लेते हैं। तो 1 मीडियम साइज का प्याज, ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च, ये सबको हम मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बनाएंगे। मसालों का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम गट्टे को चेक कर लेते हैं। गट्टा बॉईल हो गया है, इसको हम चेक कर लेंगे, ये कड़ा हो गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। गट्टे को मैंने ऐसे छोटे पीसों में ऐसे गोल गोल करके काट लिया है। देखिए, अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई गरम हो गया, इसमें हम डालेंगे तेल। तो हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल को गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें हम इस पीस को डालकर फ्राई कर लेंगे। इसे हम गोल्डन फ्राई करेंगे। गट्टा गोल्डन फ्राई हो गया, इसको हम बाहर निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। हम उसी कढ़ाई में ग्रेवी लगाएंगे, तो उसी में हम डालेंगे 1 खड़ा जीरा, 2-3 तेज़पत्ता, 1 हरी मिर्च, इसको भी हम डाल देंगे, ऐसे चला लेंगे। और ये हींग, फिर हम डाल देंगे ये पेस्ट वाले मसाले जिसको मैंने पेस्ट बनाया था, प्याज अदरक लहसुन को हम पेस्ट को ऐसे मिला लेंगे चलाते हुए। और हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, तो 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, ये 1/3 छोटा चम्मच मरीच पाउडर,
और ये 2 चम्मच धनिया पाउडर। देखिए फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले छिपके नहीं। देखिए और इसको हम मीडियम स्लो फ्लेम पे मसाले को भुनेंगे जब तक इसमें से तेल ना छोड़ने लगे, ऐसे चलाते हुए। मसाला भुन गया है, अब इसमें हम डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दे और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। इसको हम मिक्स करके चला लेंगे ऐसे। हम उसी पानी को यूज करेंगे जो जिसमें मैंने गट्टे को बॉईल किया था। और देखिए देखिए मैंने पानी डाल दिया है। ग्रेवी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। ग्रेवी को हम बॉईल होने देंगे। ग्रेवी में उबाल आने लगा है, देखिए अब इसमें हम डाल देंगे ये कटा हुआ गट्टा, इसको हम पूरा डाल देंगे। गट्टे को हम डालकर ऐसे चला लेंगे और इसको हम 2 मिनट और पका लेंगे ताकि ये बेसन का जो गट्टा है अच्छे से ग्रेवी में फूल जाए। देखिए इसको हम फिर से कवर कर देंगे। सब्जी को पकते 2 मिनट हो गया है, हम ढक्कन हटाकर देख लेंगे। ऐसे चला लें, सब्जी बन गया है। अब हम लास्ट में इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, ये थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऊपर से डालकर हम चला लेंगे ऐसे। ये बेसन की गट्टे वाली सब्जी खाने में बहुत टेस्टी है और इसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकालते हैं। देखिए सब्जी बनके तैयार है, कितना अच्छा कलर आया है, खाने में बहुत टेस्टी है। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।